हेलो गाइस, आज मैं आपको द टक्सेडो सीरीज का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए अब आप कौन से सीरीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के लास्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ओप और आर्ट कुछ काम कर रहे होते हैं। ओप आर्ट से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तो आर्ट कहता है मैं सूट पैटर्न का स्केच बना रहा हूँ। तो ओप कहता है क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहे, तो आर्ट उसे फिर से बताते है कि वो सूट पैटर्न का स्केच बना रहे। तो ओप कहता है तो तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे हो, तो आर्ट कहता है अभी तो तुमने कहा था तुम्हें आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ। तो ओप कहता है पर तुम कौन सा सूट बना रहे हो, तो आर्ट कहता है हमारे फैमिली बिजनेस का। तो ओप कहता है क्या तुम्हें लगता है ये तुम कर सकते हो, तो आर्ट कहता है श्योर मैं कर सकता हूँ। तो ओप कहता है क्या तुम सीरियस हो, तो आर्ट कहता है हाँ। तो ओप कहता है पर मुझे लगता है तुम सिर्फ ग्रास कट कर सकते हो, तो आर्ट कहता है हाँ मैं उसे कर सकता हूँ ताकि उस ग्रास को तुम्हें खिला सकूँ। तभी ओप उसे एक टर्टल देता है, तो आर्ट शॉक होकर उस टर्टल को देखता है और खुश होता है। ओप कहता है इसे मेरी अपोलॉजी समझकर रखना, तो आर्ट कहता है मैं इस टर्टल की अच्छे से केयर करूँगा और तुम बहुत अच्छे हो। तो ओप कहता है मैंने पहले से उसका नाम रखा है, तो आर्ट कहता है इसका क्या नाम है, तो ओप कहता है कुंचेंग। तो आर्ट हंसकर कहता है क्या ये कूल नेम नहीं है, तो ओप कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस करो, तो आर्ट कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तभी वह एवन आता है, ओप उसे पूछता है क्या तुमने एंगेजमेंट रिंग ले ली क्या, तो एवन कहता है मेरा और चांजू का ब्रेकअप हो गया है। तो आर्ट कहता है क्या, तो ओप कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते है एवन सिचो से कॉल पे बात कर रहा होता है। एवन कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं उसे मिलूं, तो सिचोल कहता है मिस्टर एवन मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल कट करता है। एवन चांजू से मिलने के लिए जाता है, चांजू से कहते है तुम्हें क्या कहना है, तो एवन कुछ नहीं कहता है। तो चांजू कहते है कुछ हुआ है क्या, तो एवन कहता है मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ मुझे माफ करना। तो चांजू कहते है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अभी के लिए या फिर हमेशा के लिए, तो एवन शांत खड़ा होता है। तो चांजू कहते है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं हमारे लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, तो अब हम सिर्फ फ्रेंड्स है, मुझे लगा था हमारी फीलिंग चेंज हो गई है पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसे मोड पे हमारा रिश्ता खत्म करेंगे। थैंक्स तुमने अपने ट्रू फीलिंग मुझे बताई, और वो वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। एवन घर जाकर परेशान होकर बैठा होता है, तभी उसे कुछ मैसेजेस आते हैं। चांजू ने उसके लिए इंग्लैंड में शॉप देख लिया था, तो एवन उसे थैंक्स कहता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। तभी वह सिचोल आता है और एवन को कहता है बहुत सारे स्टाफ ने रिजाइन किया है और मिस्टर नवी ने मेरी सैलरी भी कट की है, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि मैं भी रिजाइन करूं, तो मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूं। मैंने सोचा मैं भी जॉब छोड़ दूं, पर मैंने जब उनको देखा तो मैंने फैसला चेंज किया। एक्चुअली मैं इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था, पर मैंने सोचा उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट किया है, वो एक अच्छे इंसान है, तो मैं चाहता था कि उनको एक अच्छा पार्टनर मिले जो हमेशा उनकी केयर करे और हमेशा उनके साथ रहे ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो एवन के तय मुझे उसे देखना पसंद है, पर मैं नहीं चाहता कि उसे अब और देखूं, मैं श्योर नहीं हूँ हम कभी एक दूसरे को अब देख सकते हैं क्योंकि मैं जल्दी ही इंग्लैंड में जाने वाला हूँ। तो ये सुनकर सिचो शॉक होता है, नवी बाथटब में साइड होकर बैठा होता है। तभी अचानक से सिचोल वहाँ आता है, तो नवी उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है डोर नॉक करके अंदर आओ, तो सिचोल कहता है इमरजेंसी बात है मिस्टर एवन इंग्लैंड जाने वाले। तो ये सुनकर नवी शॉक होता है, तो सिचोल कहते हैं और मिस्टर एवन ने चांचो के साथ ब्रेकअप किया है, तो नवी कुछ सोचने लगता है। तो सिचोल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है अपने फीलिंग के साथ खेलना बंद करो, क्या आप उस इंसान को खो देना चाहते हो जिसे आप प्यार करते हो। बाद में नवी अपने घर से जाने वाला था, तभी उसका स्टेप ब्रदर वहाँ आता है, तो नवी कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसका ब्रदर कहते हैं मेरी मॉम ने कहा है कि डैड का यहाँ जो भी सामान है उसे लेकर आओ, पर तुम कहाँ जा रहे हो। तो नवी कहता है बाहर, तो उसका ब्रदर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम बाहर जा रहे हो, अगर तुम बाहर गए तो बाकी सारे लोग ट्रबल में आ सकते हैं। तो नवी उसके कॉलर पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करने की एक्ट और नहीं कर सकता,
और डैड ने पहले से ये घर मुझे दे दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपने बकवास बातें कर सकते हो? और अगर मैं कुछ तुम्हें बोलूँगा तो तुम रोके अपने मॉम के पास जाओगे और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो उसका ब्रदर कहता है, तुमने अभी जो भी कहा वो मैं डैड को कहूँगा। तो नवी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे डैड पहले से ही मर गए। और वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जब वो एवन के घर पहुंचाता है तो उसकी हालत बुरी हो गई थी, फिर भी वो आर्ट और ओप से पूछता है एवन कहाँ है, तो वो दोनों उसे बता देते। नवी गिरते संभालते हुए एवन के पास पहुंच जाता है। जब वो गिरने वाला था तो एवन उसे पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। नवी उसे हक करता है और कहता है, प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। तो एवन कहते हैं, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो नवी कहते हैं, हाँ। तो एवन कहते हैं, घर के बाहर अकेले आकर क्या तुम ठीक हो? तो नवी कहता है, मेरे पास पहले से ही तुम हो तो अब मुझे डर नहीं लगता है, हमेशा मेरे साथ रहो। तो एवन रोने लगता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे एक टक्सेडो के वजह से वो दोनों मिले, उनके फर्स्ट मीटिंग में कैसे झगड़ा हुआ था जिसके वजह से एवन ने उसका सूट बनाने के लिए मना किया। फिर सिजो नवी को एवन को मनाने के लिए उसके घर लेकर जाता है। तो एवन को उसके बीमारी के बारे में पता चलता है। तो एवन को नवी के लिए फिक्र होती है। बाद में उनमें एक्सीडेंटली किस होते है तो एवन को नवी के लिए फीलिंग डेवलप्ड होती है। बाद में एवन उसका सूट बनाने के लिए मान जाता है। टक्सेडो की वजह से वो दोनों क्लोज आते हैं। एक दूसरे की फिक्र करना, हर समय एक दूसरे का साथ देना जो भी सिचुएशन हो, फिर भी वो दोनों साथ थे। बाद में चांजू की एंट्री होने के बाद सब बदल जाता है। नवी को लगता है एवन उसे प्यार नहीं करता है इसलिए उसे दूर जाना। फिर उसे पता चलता है कि एवन हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं इसलिए उसे रोकने के लिए आना। फ्लैशबैक खत्म होता है और उनकी लॉन्ग किस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। साथ में ये सीरीज की स्टोरी सिंपल थी पर एवन और नवी की जो केमिस्ट्री है वो परफेक्ट थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।